हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद और आप देख रहे हैं मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पोलैंड। फ्रेंड्स, आज मैं कहीं पे आया हुआ हूँ तो फ्री बैठे था मैंने, चलो आप लोग के लिए एक ख़ास वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो बनानी थी और आज अच्छा टाइम है, अच्छा मौका है, काफ़ी सुकून की जगह है। तो इम्पोर्टेंट वीडियो ये थी कि जैसे कि अभी रिजेक्शन आ रहे हैं, ज़्यादातर रिजेक्शन में लोग परेशान हैं कि भाई क्या करें, कैसे तैयारी करें, क्या करना है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आप लोग को बताता हूँ जिससे आप लोग को बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और एक इम्पॉर्टेंट भी आपको परफेक्ट पता चल जाएगा। कोई भी देखिए, जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आप लोगों को न्यू इम्पॉर्टेंट वीडियो जो हो वो मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कोई भी आपके दोस्त हों, फ्रेंड्स हों, कज़न हों, फैमिली में कोई भी अप्लाई करेगा तो उनको हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। बताता हूँ कि रिजेक्शन में क्या, रिजेक्शन होने की वजह और बाद में उसकी तैयारी, दोनों चीज़ एक साथ बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, रिजेक्शन अभी इस टाइम बहुत सारे आ रहे हैं। रिजेक्शन आने का मेन मकसद ये है कि बहुत सी बातें होती, जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी ने आपको वर्क परमिट दिया है और उस महीने का टैक्स नहीं पे हो, या फिर जिससे आपने वर्क परमिट लिया है डॉक्यूमेंट्स ही सही ना हो, या फिर मतलब बहुत से चीज़ें होती हैं कि आपने वर्क परमिट लिया, आपकी उनको ज़रूरत नहीं, जितने बंदे ज़रूरत थी वो मिल चुके हैं, उसके बावजूद भी रिजेक्शन हो जाता है। ये सब बातों की वजह से रिजेक्शन होता है। अब मानते हैं कि रिजेक्शन हो ही गया, कोई भी नंबर दिया है, जो भी 9, 10 ज़्यादा आता है, 10 नंबर रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आता है। अब अगर 4 नंबर रिजेक्शन है तो आप इंश्योरेंस न्यू लगा सकते हैं, 3 नंबर रिजेक्शन है तो आप फाइनेंशियली अपनी प्रॉब्लम जो है बैंक स्टेटमेंट वगैरह को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे कि रिजेक्शन होता है कि 10 नंबर ज़्यादा आता है, जो कॉमन नंबर है, सबको मिलता है 10 नंबर रिजेक्शन, ज़्यादातर लोगों को जिनका वीज़ा नहीं आता है, सबको तो नहीं। तो देखिए 10 नंबर में क्या होता है, मान लीजिए कि आपका रिजेक्शन आ गया तो अब आपको रिजेक्शन के बाद 14 दिन मिलते हैं कि जो कि आपको नॉन अपॉइंटमेंट यानी कि बिना अपॉइंटमेंट के आप सबमिशन कर सकते हैं। 10 नंबर में या किसी भी रिजेक्शन में आप 14 दिन के अंदर अपना रीअपील कर सकते हैं, और शायद मेरे ख्याल से कुछ मैं गलत बोल गया, सॉरी, 14 दिन के अंदर आप रीअपील कर सकते हैं। अब रीअपील करने के लिए आपको करना क्या होता है, अगर आपको 9 नंबर मिला है या 8 नंबर, 7 नंबर जो भी मिला है, अगर एकोमोडेशन की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको करना क्या है कि पहले तो आपको जिस दिन रिजेक्शन मिलता है उसी दिन सेम डे में आप अपनी कंपनी से कॉन्टेक्ट करेंगे, कंपनी को अपना रिजेक्शन लेटर भेजेंगे पॉलिश वाला, उनको बोलेंगे कि देखिए ये मेरा रिजेक्शन आया है, अब आपकी हेल्प की ज़रूरत है और आप मुझे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करिए। अब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड जो होते हैं कि देखिए, मेरे पास कॉलें आती हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि भाई रिजेक्शन आया करना क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या मंगाना है, क्या हमें चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट जो होते हैं रिजेक्शन के बाद, वो आपकी कंपनी ही आपको सपोर्ट करेगी, वही बताएंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, क्या भेजने हैं, क्योंकि वो कंपनी से एम्बेसी ऑफिसर्स अगर कांटेक्ट करते हैं तो उनको भी पता होता है ना कि किस फॉल्ट की वजह से उन्होंने आपको 10 नंबर दिया। हालांकि 10 नंबर में तो लिखा ही है कि आप जाके वापस नहीं आएंगे, लेकिन जब आप जाएंगे तब वापस नहीं आएंगे ना, और जिनको वीज़ा लगता है उनको क्यों मिलता है, क्या वो जाके वापस आने की कोई गारंटी होती है, उनकी कोई आता ही नहीं, पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई आता ही नहीं। तो आप अपनी कंपनी से कॉन्टेक्ट करेंगे कि मेरा रिजेक्शन आया 10 नंबर या 7 नंबर जो भी, वो उसको देख के, और ज़रूरत पड़ेगी तो वो एम्बेसी से बात भी कर सकते हैं, मेल भी डाल सकते हैं, और एम्बेसी उनको मेल का रिप्लाई भी देगा। उसके बाद वो आपको डॉक्यूमेंट देंगे, डॉक्यूमेंट देने में आपको गारंटी लेटर भी बहुत से लोग को देते हैं, जो भी मतलब कमी लगे वो डॉक्यूमेंट्स आप उनसे मंगवाइए 14 डेज़ के अंदर अंदर। और लोग मेरे पास कॉन्टेक्ट करते हैं कि भाई रीअपील के लिए एक कवर लेटर बना दीजिए, तो रीअपील के लिए कवर लेटर बनाने के लिए लोग चार्जेस भी करते हैं। और वैसे मेरे हिसाब से देखिए, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको कि रीअपील के लिए आप कवर लेटर वगैरह जो भी अगर आपको चाहिए भी है ना, तो आप अपनी कंपनी से बोलिए, वो खुद आपको एक कवर लेटर दे देंगे, क्योंकि उसी में उन्होंने मेंशन करना है कि वो क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी आपको डॉक्यूमेंट देगी, रीअपील लेटर जिसको बोलते हैं, रीअपील लेटर देंगे वो, और जो अगर कुछ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना होगा तो वो आपको देंगे, एंड आपको कवर लेटर अगर चाहिए तो कवर लेटर आप मेंशन कर सकते हैं। देखिए एक तो बात होती है कि आप कवर लेटर में ये मेंशन कर रहे हैं कि मैंने इस डेट में सबमिशन किया था, इस डेट में मेरा रिजेक्शन आया है, अब मैं ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, ये तो छोटा सी बात हो गई। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है कवर लेटर में, कि आपको रिजेक्शन किस लिए मिला,
रिजेक्शन मिलने की वजह क्या थी, आपको क्या नंबर दिया है, अब आप डॉक्यूमेंट्स क्या दे रहे हो, और आपकी कंपनी एम्बेसी ऑफिसर को क्या जस्टिफाई कर रहे हैं कि इनको वीज़ा दे दो। तो ये चीज़ तो आपकी कंपनी ही बता पाएगी ना, कोई दूसरा बंदा तो नहीं बता सकता। अब आप हमसे बोलो कि भाई कवर लेटर बना दो, जैसे कि मेरे पास आते हैं कॉलें आती हैं कि आप कवर लेटर लिख के दे दो मुझे कि मेरा रीअपील कर रहा हूँ मैं। भाई मैं इसमें क्या मेंशन करूँगा, क्या लिख के दूँगा, मुझे तो पता नहीं ना कि क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से उन्होंने आपको, क्या कंपनी आपकी क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे रही है, उसमें वो क्या उनसे मेल डाल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। उनको मेल भी करवाना होता तो मेल में क्या लिखेंगे, हाय हेलो करके तो मेल नहीं होता ना, पूरा सेंटेंस पूरी चीज़ें उसमें टाइप की जाती हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आया था और हम ये चीज़ें इनको दे रहे हैं, अब इनका वीज़ा ग्रांट कर दीजिए। तो इस टाइप का रिजेक्शन होता है और उसमें ये इम्पॉर्टेंट जो थी आपको वो मैंने बताया कि आपको करना क्या है, कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट देना है। तो अभी मैं फिर से एक चीज़ बताता हूँ आपको, जिस दिन रिजेक्शन मिले उसी दिन आप रीअपील लेटर मंगवा लो अपनी कंपनी से और उनसे बोलिए कि एक रीअपील लेटर में एक अपना वो दे दें कि कवर लेटर मेंशन करके दे दें, और ये सब चीज़ें करके देने के बाद और आप अपना 14 दिन के अंदर रीअपील कर सकते हैं। उसमें कोई अपॉइंटमेंट लेनी नहीं होती, हाँ लेकिन फ़ीस दोबारा देनी पड़ेगी आपको, जो फ़ीस आपने पहले दिया होगा ना 11,000 समथिंग कुछ ऐसे, तो कहीं कहीं सेंटर में 9,000 भी है, 8,775 रुपये भी है अलग अलग सेंटर में, तो वो फ़ीस आपको दोबारा पे करनी पड़ेगी। बट अपॉइंटमेंट नहीं लेना आपको, 14 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट लेना नहीं है। वैसे भाई देखिए, ज़्यादा मैं आपको बता दूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही है मेरा कि किसी 1,000 में 4 या 5 बंदों का 10 नंबर रिजेक्शन के बाद वीज़ा लगा होगा। तो 10 नंबर के बाद वीज़ा आने के भाई चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि अच्छे पहले से तैयारी करिए, पहले से डॉक्यूमेंट अच्छा हो और आपका वीज़ा ग्रांट हो जाए। वीज़ा लगता है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं मिलता, लोग कॉल करते हैं पूछते हैं भाई रेशो क्या है, तो रेशो यही है कि भाई परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट कंपनी हो तो लग जाएगा वीज़ा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, लेकिन परफेक्ट होना चाहिए सब कुछ भाई, लग भी रहा है। ऐसा नहीं कि पूरे पूरे जितनी एम्बेसी में फाइलें जा रही सब रिजेक्शन ही हो रहा है, ऐसा नहीं है, लग भी रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी भाई रिजेक्शन को लेके, और आई थिंक नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए और बनाऊंगा थोड़ा 2-3 दिन के टाइम में। अभी ईद भी आ रही है इंशाल्लाह भाई, सब लोग को ईद मुबारक, भूल गया था मैं कहना। तो जो लोग भी भाई कांटेक्ट में हैं वो उनको भी ईद मुबारक, जो नहीं है वो भी उनको भी ईद मुबारक, और जो लोग अभी न्यू चैनल पे आएंगे वो लोग सब्सक्राइब कर लें, उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक भाई एडवांस में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में मैंने जो भी इम्पोर्टेंट बताया उसको फॉलो करिए, जिनका रिजेक्शन आया है, जिनका रिजेक्शन, वैसे दुआ है इंशाल्लाह अल्लाह करे किसी का रिजेक्शन ना आए, लेकिन जिनका आ गया वो इस वीडियो से फॉलोअप ले सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं उसको, अपने डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं जैसे मैंने बताया है। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, आपका दोस्त नौशाद, अल्लाह हाफिज़।